नदी नहीं है, ये तबाही का सैलाब है। तस्वीरें राजस्थान के जालौर के जसवंतपुरा इलाके के पहाड़ी क्षेत्र की हैं। आसमान से बरसी आफत बर्बादी की बाढ़ लेकर आई। तेज बारिश से झरना ओवरफ्लो हो गया और पानी की धारा किसी नदी की तरह सड़क से होकर बह निकली। करीब 3 घंटे तक हुई बारिश ने सुंधा माता तीर्थ स्थल को पानी पानी कर दिया। मंदिर की सीढ़ियां डूब गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि दर्शन के लिए पहुंचे 5 श्रद्धालु बह गए। इनमें से 3 पर्यटकों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया, जबकि 1 महिला पर्यटक की मौत की खबर है। पौने 9 बजे के लगभग सुंदा माता के जो पर्वत है उसमें भारी बारिश हुई। हमारे सीओ साहब ने और जो यहाँ की एसडीआरएफ की टीम और जो लोकल मंदिर परिसर के जो यहाँ के ट्रस्ट के जो नुमाइंदे हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर उनका बचाव किया गया। आसपास में जो साइड में दुकानें लगाते हैं और जो वहाँ पर काफ़ी मिट्टी और जो उसका ऊपर से बहके आया है उस कारण से अवरुद्ध हुआ और उस कारण से वो सीढ़ियों के ऊपर पानी गया और उस पानी जाने से फिर सीढ़ियों के जो यात्री आ रहे थे उनको नुकसान हुआ। अब जरा बिहार के भागलपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ के स्लाइल पर बिंद टोली में टूटे बांध का निरीक्षण करने पहुँचे चीफ इंजीनियर अनवर जबीर गंगा की तेज धारा में बह गए। गनीमत रही निरीक्षण के दौरान एसडीआरएफ के जवान साथ थे, जिन्होंने कुछ इस तरह चीफ इंजीनियर अनवर जमील को गंगा की धारा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भागलपुर में इस्माइलपुर से बुद्ध चूक के बीच गंगा नदी के किनारे बना बांध 80 मीटर तक टूट गया है। बांध से सटे इलाकों में पानी भर गया है, दर्जनों घर डूब गए हैं। यहाँ पे तटबंध टूटा है और जिससे कि कुछ लोग प्रभावित हुए हैं, खास करके एक गांव है हमारा बुद्धूचक, वो प्रभावित हुआ है। पानी का स्प्रेड थोड़ा हुआ है लेकिन जनजीवन अन्य जगहों पे सामान्य है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट किया है। उतना ही नहीं कि लोगों को यदि घर के सामान की शिफ्ट करने की ज़रूरत है उसके लिए भी हमने 9 से अधिक बड़ी नाव लगाया है। साथ ही हमारे पास SDRF और NDRF की टीम के करीब 12 बोट अभी कार्यरत हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सारी चीजें लोगों के लिए है। अब जरा गुजरात के आनंद की तस्वीर देखिए। सुबह के वक्त 1 घंटे में 2 इंच बारिश ने सड़कों को नदियों में बदल दिया। तेज बारिश में सड़क पर पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि खंबात शहर के सरदार टावर के पास सड़क पर खड़ी कार बह गई। वहीं सरदार टावर बनियारी रबारी बाज समेत कई इलाकों में पानी भर गया। इधर गुजरात की तीर्थ नगरी अंबाजी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। अंबाजी के मुख्य बाजार और हाईवे पानी से लबालब भर गए। अब जरा मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीर देखिए। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें डूब गईं। शहडोल उमरिया रोड पर आवागमन बंद हो गया तो मोरना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की धारा नेशनल हाईवे 43 के ऊपर से बहने लगी। तेज बारिश से शहडोल के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी किनारे तोड़कर बह रहा है। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। धर्मनगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डराने लगा है। क्षिप्रा नदी के किनारे मौजूद कमोबेश सभी घाट डूब गए हैं तो वहीं घाट पर मौजूद तमाम मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। जो क्षिप्रा नदी के सारे घाट हैं वो जलमग्न हो गए हैं और क्षिप्रा नदी पर जो पूजा अर्चना होती है, जो यहाँ पर तर्पण और कर्मकांड होता है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और जो श्रद्धालु है उन्हें घाटों से ऊपर निकाल दिया गया है। बारिश का क्रम जारी है, प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है और
जवानों को तैनात रहने को कहा है और जो भी श्रद्धालु घाट की तरफ जाता है उसे रोकने की और उसे समझाइश दी जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि नदी के जो छोटे पुल है उस पर यदि पानी होता है तो इसी स्थिति में श्रद्धालु उसे पार करने की बिल्कुल कोशिश न करें। अगस्त के महीने में उत्तर से दक्षिण तक आसमान से आफत बरस रही है, नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसी तस्वीर तमिलनाडु के डिंडीगुल से सामने आई है। यहां लगातार हो रही बारिश से वर्थमनाथी डैम ओवरफ्लो हो गया है। तस्वीरों में नदी का पानी डैम के ऊपर से बहता देखा जा सकता है। वर्थमनाथी डैम की अधिकतम कैपेसिटी 66.47 फीट है जो पार हो चुकी है। फिलहाल डैम पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.